हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय हम ग्रामीण विकास लगभग चीज़ें सारी पढ़ चुके हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ना तो इतनी इतनी मोटी किताबें लोग पब्लिश कर देते हैं ग्रामीण विकास की, जिसमें आना कुछ नहीं लेकिन सब कुछ है। तो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं। आज उन्हीं में कुछ और पॉइंट्स आपके बाकी रह गए थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, उनको मैं पढ़ा रहा हूं। कल एक क्लास और इन पर, उसके बाद ग्रामीण विकास एंड होगा। फिर अगली बार जब हम मिलेंगे अगले इसके शेड्यूल से, तब हम उत्तर प्रदेश को शुरू करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश चूंकि पूछता है, कम से कम 8 प्रश्न आते हैं। वैसे भी आप कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो उत्तर प्रदेश सभी में पूछता है। मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चकबंदी के, मतलब राजस्व लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर आप जो है RO AR O परीक्षा में बैठने जाएंगे, या UP SSSC की कोई परीक्षा है, या उत्तर प्रदेश में मान लीजिए अन्य कोई UPPCL वगैरह भी आप देने जा रहे हैं, सभी में उत्तर प्रदेश आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो क्लासेज आपकी बहुत अच्छे से चलेंगी और बहुत ढंग से आपको पढ़ना भी है, क्योंकि अपने ही प्रदेश में रहकर अपने प्रदेश की चीज़ों को ना जानना भी बहुत जो है शर्म वाली बात है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो आज जो इन क्लासेस में पढ़ते हैं, इसके एक नोट्स जो है PDF के फॉर्म में आपको पूरा करके आपको दे दी जाएगी। तो जो उन लोगों ने 10+ कोर्स लिया है उनको उसी जो है मतलब सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत ये PDF दी जाएगी। अभी भी जो लोग PDF नहीं लिए हैं, ठीक, ये प्लान नहीं लिए हैं, आप लोग 3 महीने के लिए टीम के द्वारा ये जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं 10+ कोर्स, जिसमें हम विभिन्न कोर्सेस को इसी कोर्स के अंतर्गत कवर करेंगे, उससे चलने वाली सारी क्लासेज की, दिन में जितनी भी क्लासेज आपको दी जाती हैं उन सभी क्लासेज की एक अच्छी PDF आपको हर दिन उपलब्ध कराई जाती है। उस पर आधारित क्विज दी जाती है और यह सब्सक्रिप्शन नाम मात्र के शुल्क 499 में 3 महीने के लिए है। तो अगर आपको सारी क्लासेज पसंद आ रही है, इनको नोट चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लान को सब्सक्रिप्शन लेकर घर पर मस्त होकर पढ़िए। ठीक है, आगे भी हमारे लगातार जो है एक से एक कोर्स जारी रहेंगे। मेंस, लोअर मेंस में चूंकि परिणाम जुलाई में कुछ आपको सूचनाएं मिलेंगी, तो जुलाई से अब आपको सारी चीजें थोड़ी व्यवस्थित करनी है। इधर कोरोना थोड़ा और लंबा गैप ले गया, नहीं तो इधर आयोग चूंकि फरवरी मार्च तक सारी चीजें बोल रहा था कि ये जो है रिजल्ट के स्टेटस पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो हालिया अभी जो बयान सुनने को मिल रहे हैं उसमें यही है कि आगे जो है आयोग के द्वारा आपकी सूचनाएं जुलाई में कुछ में आपको मिलेंगी कि हाँ इस पर क्या काम हो रहा है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ऐसी सूचनाएं मिल सकती है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं। आज आज जो हमारा पॉइंट है जिसको हमें पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है ग्रामीण विकास में कृषि से संबंधित योजनाओं को पूछा है और पूछेगा, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे जो क्रांतियां विशेषकर हैं उनसे संबंधित सवाल पूछता है। और इन क्रांतियों से ऐसा नहीं है कि ग्रामीण विकास में ही पूछेगा, आप कोई भी परीक्षा देने जाते हो तो क्रांतियों से संबंधित सवाल पूछता है। तो आज हम वही बात करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक होगा वह होगा कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वह है कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां, और इनके जनक को भी हम पढ़ लेंगे कि कौन सी क्रांति किसके लिए प्रारंभ की गई, उस क्रांति का जनक क्या रहा, उस क्रांति के परिणाम क्या रहे, इन सारी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, पॉइंट बहुत छोटा सा है लेकिन यह है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह GS के अंतर्गत आपका, ठीक, एग्रीकल्चर में हमेशा पूछ लिया जाता है। कोई भी परीक्षा होगी उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि अच्छा हरित क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति कब चली। ठीक है, तो इन्हीं पर आज हमें पर चर्चा करनी है। बहुत ध्यान से मेरी हर एक बातों को सुनिएगा। भारत में कृषि से संबंधित क्या क्रांतियां रही, सबसे पहले इनको हम जोड़ते हैं। ठीक है, देखो स्वतंत्रता जब हमें मिली या उससे पूर्व की आप घटनाओं को देखोगे, स्वतंत्रता जैसे मिलती है तैसे ही अकाल अपने यहाँ बहुत व्यापक पड़ता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। सूखे तो पहले मतलब लगभग 2-3 साल पर रिपीट होते थे, 4 साल पर रिपीट होते रहते थे, कभी इस इलाके में सूखा कभी इस, चूंकि हम मानसून पर डिपेंड थे, सिंचाई की प्रणाली वही कुएं से जो है सिंचाई होती थी। ठीक है, कोई बड़ा सा पोखरा है, तालाब है, तो उसमें ढेकुल लगा के सिंचाई की जाती थी। 1-1 किलोमीटर तक उस जो है एक अंजलि पानी उससे आता था, उससे सिंचाई की जाती थी इतने लंबे लंबे और ऐसे मौसम में। तो अब पहले जो है पैदावार भी वही उसी हिसाब से होगी, हमारे पास अच्छे बीज नहीं थे,
ठीक है। वहीं धान में जैसे अब हम रोपण की तकनीक जानते हैं कि धान में रोपाई होता है, और जैसे पहले क्या होता था, अब गेहूं के एक से एक आपको रिसर्च सीड मिलते हैं जिनमें पैदावार बहुत अच्छी है। प्रति बीघा पैदावार देखा जाए तो बहुत बढ़िया है पहले की अपेक्षा। पहले एक वहीं गिना चुना नाम चलता था, ठीक उसी की बुआई कर दी जाती थी। बुआई हो गई तो उसमें जो भी उर्वरक वगैरह जो है देसी खाद होती थी, इसी को डाल के फिर पैदावार की जाती थी। उससे नाम मात्र का पैदा होता था। पैदा होने के बाद फिर अन्न को सुरक्षित रखना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जब तक अंग्रेज थे तब तक, उनको लगान भी देना, ठीक है जमींदार लोग थे उनको उसी में से आपको देना होता था, ठीक। तो ये सारी जो प्रोसेस थे, बाद में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो सबसे पहला मुद्दा हमारे पास यही आया कि हमारी जो जनसंख्या है इसको, इस जनसंख्या को हम खाद्यान्न कैसे जो है उपलब्ध करवाएं। तो पहले हम पूरी तरीके से यूएसए हो गया, अन्य देश हो गए, इन पर डिपेंड होते थे। यूएसए से हम जो है गेहूं चावल इन सबके जो है आयात करते थे, और वही प्रक्रिया बहुत दिन तक चलती रही। लेकिन भारत अपने आप में आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ क्रांतिकारी योजनाओं को यहाँ कृषि से संबंधित लागू करना जो है प्रारंभ किया, और वह रहा स्वतंत्रता के बाद। ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं जिनमें कृषि को लेकर के हम फोकस होते हैं कि अब हम कृषि पर आधारित नई योजनाओं को चालू करेंगे, उन योजनाओं को लागू करना, उनके पीछे जो व्यक्ति रहा, कैसे कैसे सफलता मिली, इन्हीं पर अब हम परिचर्चा करते हैं। अपने यहां सबसे पहली जो क्रांति की शुरुआत होती है वह क्रांति 66-67 में हरित क्रांति से मानी जाती है। अपने यहां 1966 से 67 के दरमियान प्रारंभ होती है ग्रीन रेवल्यूशन यानी हरित क्रांति। यहीं से भारत में कृषि को लेकर के क्रांति के रूप जो है क्षेत्र में एक क्रांतियों का जो है कृषि के क्षेत्र में क्रांतियों का जन्म माना जाता है। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इससे पहले हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कई सालों तक भारत अन्य देशों पर निर्भर रहता था। हमारे यहाँ मानसूनी वही पूरी तरीके से नहरों का यह जाल नहीं था इतना अच्छा, ठीक। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें नहरों के जाल को आपस में जोड़ा जा रहा, नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा। तो ये सारी योजनाएं क्या होती हैं, ये सब कृषि जहां पर भी, अपने यहां जमीन तो बड़ी अच्छी, वही जमीनें जो आज हैं यही जमीनें तब भी थी, लेकिन तब बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसके वजह से हम आत्मनिर्भर नहीं कह सकते थे। अगली बात, ये जो हरित क्रांति रही इसमें मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है, जिनको आप हाइब्रिड बीज के तौर पर भी जानते हैं या HYB सीड्स के तौर पर जानते हैं, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। यानी जिनकी उत्पादकता बहुत उच्च हो ऐसे बीजों का प्रयोग हम करना प्रारंभ करते हैं। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि सभी की शुरुआत हुई अलग अलग क्षेत्रों में। पशुपालन को लेकर, मछली पालन को लेकर, ठीक, तिलहन को लेकर, दलहन को लेकर, सभी क्षेत्रों में हमने बहुत विस्तारित ढंग से एक सटीक मार्गदर्शन में विभिन्न क्रांतियों को जन्म दिया। इन क्रांतियों का असर ऐसा हुआ कि भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुका है। और जैसे इससे पहले आपने कभी पढ़ा होगा, माल्थस को जनसंख्या को लेकर के उन्होंने एक जो है अपनी थियरी दी थी, माल्थस की थियरी थी कि आने वाले दिनों में विश्व की जनसंख्या को लेकर, हालांकि उन्होंने बताया था, लेकिन विश्व की जनसंख्या में और भारत की जनसंख्या में, चूंकि अपने यहाँ जनसंख्या विस्फोट बहुत ही तेजी से हुआ, जनसंख्या में वृद्धि जो हुई बहुत तेजी से हुई, तो वह अपने यहां भी असर करता, लेकिन भारत जैसे देश ने उसको फेल कर दिया, पूरे विश्व ने उसको फेल किया। माल्थस की थ्योरी को उन्होंने बताया था कि भुखमरी की वजह से ही क्या होगी, जनसंख्या धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ होगी। लेकिन आज जो है हम अपने जो है जितनी हमारी जरूरत है उससे हम कई गुना ज्यादा पैदावार करते हैं, ठीक। हम कई अन्य देशों को भी खिला सकते हैं, उतनी क्षमता भारत में है, इतने अनाज की अपने यहां उपलब्धता है। आगे बढ़ते हैं, भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। दुग्ध में नंबर वन पर, सरसों हो गया, आलू हो गया, मत्स्य हो गया, सभी में भारत आज आत्मनिर्भर है पूरी तरीके से। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हरित क्रांति से हुई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हरित क्रांति ग्रीन रेवल्यूशन के पीछे किस व्यक्ति का दिमाग रहा, इसको अगर देखें, देखिए
सरकार ने 1960 में 7 राज्यों से चयनित 7 जिलों में एक गहन विकास कार्यक्रम आरंभ किया, ठीक है। एक कार्यक्रम गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया था जिसको गहन विकास नाम दिया था, और इस कार्यक्रम को गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसको IADP का नाम दिया गया, ठीक है, जिसे भारत में बाद में भारत की हरित क्रांति बोला गया। यह जो कार्यक्रम रहा इसको बाद में भारत की हरित क्रांति के रूप में परिभाषित किया गया। हरित क्रांति से किन किन फसलों पर पूछता है, तो गेहूं, चावल और ज्वार के उत्पादन में लगभग 2 से 3 गुना की वृद्धि हुई। 2 से 3 गुना पैदावार हमारे यहां बढ़ गई। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में फोर्ड फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा, विशेषज्ञों के एक दल को कृषि उत्पादन और उत्पादकता के साधन बढ़ाने के लिए नए तरीके सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस टीम की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1960 में 7 राज्यों से चयनित 7 जिलों में एक गहन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम को गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी IADP का नाम दिया गया। 60 के मध्य का संपूर्ण जो समय रहा कृषि उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता था। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग तथा उनके साथियों द्वारा गेहूं की नई उच्च उपज किस्मों को विकसित किया गया, ठीक है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं इनको डेवलप करने की कोशिश की गई और उसमें सफलता अर्जित हुई, और कई देशों द्वारा इसको अपनाया भी गया। बीजों की नई किस्मों द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के वादे के कारण दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने एक व्यापक पैमाने पर इसे अपनाया। इस नई कृषि रणनीति को पहली बार भारत में 1966 के खेस फसल से खरीफ के मौसम में अमल में लाया गया और इसे उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम HYVP का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम को एक पैकेज के रूप में पेश किया गया था पहली बार, ठीक है, क्योंकि मुख्य तौर पर यह कार्यक्रम नियमित तथा पर्याप्त सिंचाई, खाद्य, उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज, कीटनाशकों पर निर्भर था। इसमें बहुत सारी चीजें थी, इसीलिए इसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया कि भाई कुछ क्षेत्रों को चुनते हैं, उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, इसको लागू करते हैं। अब बात आती है हरित क्रांति, हमने प्रारंभ की हरित क्रांति के प्रभाव कहां कहां मिले, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि HYVP, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी जो प्रोग्राम रहा केवल 5 फसलों के लिए सीमित था शुरुआत में, गेहूं के लिए, चावल के लिए, ज्वार के लिए, बाजरा और मक्का के लिए, इन 5 फसलों पर पहले इसको सीमित किया गया था, ठीक, कि इन क्षेत्रों में हम अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ा ले जाएं, क्योंकि भैया हमारे यहां जितने इलाके हैं उन इलाकों में देखोगे तो इन्हीं 5 खाद्यान्नों की क्या है, अपने यहां आवश्यकता है। विभिन्न जैसे क्षेत्र हैं जहां पर जिस हिसाब से मिट्टी है, जैसी जलवायु है, उस अनुसार हमें वहां पर खाद्यान्न भी चाहिए। अब बात होती है गैर जो खाद्यान्न है इनको नई जो है रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। गेहूं वर्षों से हरित क्रांति का मुख्य आधार बना हुआ है, हमें नए बीजों का कृतज्ञ होना चाहिए जिससे 1 साल में करोड़ों का अतिरिक्त टन अनाज उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे नए बीज आते हैं उनमें आप देखते हैं कि 1 बीघे में अभी जैसे नॉर्मल चीजें हैं 1.5 से 3 जो है 2 या आप 2 से 2.5 3 के बीच में मान सकते हैं पैदावार बीघे के हिसाब से होती है कुंतल में, वो चीजें बढ़ भी जाती हैं कभी कभार। बहुत अच्छा अगर रहा एरिया, हर एक चीजें बहुत बढ़िया से हो गई तो 3 से भी गेहूं बढ़ जाता है, जो 3 क्विंटल पर बीघा है उसका भी आंकड़ा पार हो जाता है। तो वो चीजें सब कुछ कैसे हैं, ये HYVP की भैया देन है, यानी हाई जो यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए उनकी वजह से यह सब हुआ, नहीं तो पहले वही साठा होता था, ठीक है, वही पैदा हो गया और उसी तरीके से किसी तरीके से गेहूं निकाल लिया गया, हाथ से पीस लिया गया, ठीक, और फिर उसकी रोटी बनती थी वहीं खाते थे। अब क्या होता है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 1978 से 79 के दौरान 131 मिलियन टन के रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ, 131 मिलियन टन, अपने आप में बड़ी चीज हो गई। इस क्रांति के कारण भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों के रूप में स्थापित हुआ। 1947 यानी जब भारत को
राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उससे लेकर 1979 के बीच 30% से अधिक खेत की प्रति इकाई उपज में सुधार हो गया। 79 में ही 47 से लेकर 79 के बीच जो गैप है इसी में इतना ज्यादा परिवर्तन, 30% अपने आप में परिवर्तन मायने रखता है। आगे बढ़े, हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के फसल क्षेत्र में वृद्धि भी हुई। भाई जब उत्पादन होगा लोगों में हौसला बढ़ेगा कि अब भी हम अगले साल हम जो है भैया रिसर्च बैठाएंगे, ठीक है, आप गांव में जाएंगे तो पता चलेगा इस समय कि कौन सा जो है किसको क्या इस बार धान बिठाना है। वो सारे लोग पहले से ही सोच रखे हैं, नई बीज आई है, रिसर्च आया है, बढ़िया महक वाला चावल है कि यहां बना दो पूरा मोहल्ला महक जाए। तो वो चीजें क्या होती है, ये नई पैदावार है भैया, पानी कम देना पड़ रहा है, कीटनाशकों से विशेष बचाव को लेकर के भी इन सारी चीजों में किया जाता है, रोगों से बचाव के लिए प्रयास किए जाते हैं इन सीड्स में जो रिसर्च के होते हैं, तो इनसे कई क्षेत्रों में हमें फायदा मिलता है। दूसरी क्रांति के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है श्वेत क्रांति। 64-65 के दौरान देश में गहन पशु विकास कार्यक्रम जिसको ICDP बोला गया इसकी शुरुआत की गई 64-65 के दरमियान, जिसके तहत देश श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन में सुधार हेतु एक पैकेज की व्यवस्था की गई। बाद में श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम पूछता है देश में एक नए जो है कार्यक्रम जिसको ऑपरेशन फ्लड बोला गया, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ठीक, ऑपरेशन फ्लड पूछता है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसके लिए की गई, किस उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई, तो उस समय दूध जो है उत्पादन को बढ़ाना था। अगली क्रांति है श्वेत क्रांति येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु, जिन तेलों को हम खाते हैं तिलहन की जो फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास की रणनीति को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 से प्रारंभ किया गया। पूछता है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब प्रारंभ किया गया, 1986। आगे बढ़ते हैं, तिलहन में मुख्य रूप से 9 फसलों को शामिल किया गया। कौन कौन सी फसल, किनके तेल हम उपयोग में लाते हैं, मूंगफली हो गया, अरंडी हो गया, तिल हो गया, राम तिल हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, सरसों और राई अलग हैं, अलसी हो गया, कुसुम हो गया, सूरजमुखी हो गया और सोयाबीन। इतने आपकी 9 फसलें हैं जो तिलहन से संबंधित फसलें हैं, इनको फोकस किया गया पीली क्रांति में। 2003 से 4 के दरमियान इन सभी फसलों द्वारा कुल तिलहन उत्पादन 252 लाख टन था, जो कि 13-14 में अपने सर्वोच्च स्तर 388 लाख टन के स्तर पर पहुंचा था, 14-15 में यह 275 लाख टन के स्तर पर गिर गया, 328 लाख टन पहुंचा और फिर से 275 में 14-15 में आ गया और लगातार 15-16 में भी देखें तो यह 330 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे अब तिलहन के दायरों में कमी आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्रांति है आपकी ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति। पूछता है नीली क्रांति किसके लिए चलाई गई, तो मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति को चलाया गया था। 13-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया। ठीक है, तो ये क्रांतियां हैं जो मुख्य रूप से भारत में बहुत व्यापक प्रभाव डालती हैं। अगली क्रांति आपके सामने है गुलाबी क्रांति, जिसको पिंक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। किससे, प्याज से भी और झींगा मछली दोनों से, ऐसा नहीं कि झींगा मछली, अधिकतर झींगा मछली ही पूछता है, अगर प्याज भी दिया है तो वहां भी जवाब प्याज देना। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। अगली क्रांति है ब्लैक रेवोल्यूशन यानी काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम या खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया गया। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है काली क्रांति का, और एथेनॉल के बढ़ावा देने से भी है, दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है और इस पर भारत बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन क्या है भैया,
उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखने के लिए धूसर क्रांति प्रारंभ की गई। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है और भारत आज जैसे यूरिया जैसे उर्वरक है इसमें लगभग क्या है, आत्मनिर्भर है। रजत क्रांति सिल्वर रेवल्यूशन बोलते हैं। सिल्वर रेवल्यूशन में ध्यान दीजिए यह किसके लिए, अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई है, सिल्वर रेवल्यूशन। ठीक है, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है जबकि अमेरिका में 295। अमेरिका तो इस चीज में भी बड़ा विकसित हो गया भाई। अपने यहां आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है अंडे का। सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवल्यूशन किससे संबंधित है, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है, तो आप समझ जाइए ठीक 31% बहुत बड़ी चीज है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इंद्रधनुष क्रांति ये क्या है, इंद्रधनुष मतलब अब जाहिर सी बात है 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं तो सभी को मिला लो, सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य इसमें किया गया। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति बोला गया। सदाबहार क्रांति, सदाबहार को भी रेनबो रिवॉल्यूशन के तौर पर जानते हैं, वैसे इंद्रधनुष भी वही है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से पूरे देश को पूरी तरह खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर बनाना है। तो यह भारत की बहुत ऐसी क्रांतियां हैं जिनका प्रभाव भी पड़ा और भारत आज अपने आप में आत्मनिर्भर भी बना है, हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगली चीज है गोल क्रांति राउंड रेवल्यूशन पूछता है। राउंड रेवल्यूशन आलू के उत्पादन को बढ़ाना है इसका संबंध। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है अपने यहां, अगर देखा जाए अपना प्रदेश भारत में। अब विभिन्न क्रांतियों के जनक देख लेते हैं कौन कौन जनक रहे, क्योंकि जनक से संबंधित सवाल पूछता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक या पिता नॉर्मन बोरलॉग को, कंफ्यूज मत होना नहीं तो गलत कर दोगे। अगली चीज, भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को बोला जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है, ये सारे बहुत बार पूछे गए हैं। भारत में प्रेरित प्रजनन, ठीक है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ये जो क्रांति रही इसका जनक हीरालाल चौधरी को बोलते हैं। और भारत में गुलाबी क्रांति का जो जनक कहा जाता यह दुर्गेश पटेल को बोलते हैं। भारत में स्वर्णिम क्रांति यानी जो गोल्डन आपके रिवॉल्यूशन रही इसका जनक निरपुख तुतेज को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्रांतियां और एक अंतिम आपकी बस्ती है सिल्वर क्रांति का जनक, यह इंदिरा गांधी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये भारत में जो क्रांति है, क्रांतियों से संबंधित जो लोग हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी रही, किसका संबंध किस क्रांति से रहा, इन सारी चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा। और यहां से उम्मीद है अब आपके आने वाले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो बढ़िया से वीडियोस को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और टीम को कुछ हौसला बढ़ाने के लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें कमेंट करते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।